to all CSS aspirants. आप youtube.com जो है वो खोलो और आपको एकदम से उसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी न्यू कोर्स के लिए. थोड़ी सी मैं बात दो मिनट के अंदर उस पर भी डिस्कस कर दूं, जो कुछ न्यू सोर्सेज मैं यूट्यूब के ऊपर बकायदगी से फॉलो करता था. उनमें से सबसे पहला जो था न्यू सोर्स, दैट वॉज अल जजीरा इंग्लिश. अल जजीरा इंग्लिश के पेज पे जाओ, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब का बटन दबाओ. और जिस तरह से जो हमारा पेज है के ऊपर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि आप बटन दबाओ और बेल आइकॉन दबाओ. बिल्कुल सब्सक्राइब करें. मेरा अपना भी यूट्यूब का पेज है, वो भी हमारा लिंक डाल देना वो मैं शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा सबसे ना. मोहम्मद मुर्तजा के नाम से पेज है आपका. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसी तरह अल जजीरा के पेज को भी सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ. अल जजीरा में हर वक्त 24 घंटे लाइव न्यूज चल रही होती है, तो आप जब भी न्यूज सुनना चाहते हो कि मुझे 10-15 मिनट में पता चल जाए कि इस वक्त क्या हो रहा है, तो आपने घंटा देख लेना है 5 बजे 6 बजे 7 बजे. जब भी घंटा पूरा होता है तो खबरें होती हैं, जो घंटे की खबरें होती हैं, आप उस वक्त अल जजीरा लाइव ऑन करोगे और आपके पास वो आपको 15 मिनट के अंदर दुनिया में क्या चल रहा है वो सारी बात समझा देगा. उसके अलावा नीचे इनके हर मौजू के ऊपर कोई ना कोई वीडियो जो है वो आ रही होती है कि इस वक्त कलाम ये तो मजबूर आ गए. टिक 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 टिक, मुझे भी कहते हैं अम्मी बैंक के काम. एड थोड़े नहीं है. इसके अलावा इफ यू लुक वो है यू विल वो एक आपको मुश्किल जो है उसका सामना करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत सी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सी अच्छी बातें, बोरिस जॉनसन क्या कह रहा है, इटली में क्या हो रहा है, सऊदीया में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया का आपको एक समरी अल जजीरा से मिल जाती है. अल जजीरा के बाद एक और चैनल बहुत जो अच्छा मुझे लगता है वो है आरटी रशिया टुडे. ये रशियंस का चैनल है, तो इसकी अच्छी बात यह है कि यह आपको एक क्रिटिकल साइड बहुत ज्यादा देता है, कि जो एक तनकीदी जायजा होता है वो आरटी बहुत अच्छा करता है, बिकॉज उनकी रशियंस की अमेरिकन की आपस में लगती है. तो आरटी जो है वो अमेरिका की सारी पॉलिटिक्स और दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर एक क्रिटिकल व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली देता है. तो यहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको अच्छी इनकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह जो है वो मिल जाएंगी. इसके अलावा न्यूज सोर्स के लिए छोटे छोटे और बहुत से चैनल्स हैं जिनमें बड़ी मजे की खबरें आती हैं, जो आपकी हो सकता है कि रोजमर्रा की खबरें ना हो, बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट सीएसएस एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस वन पेज कॉल्ड द इंफोग्राफिक्स शो. ये आपको मुख्तलिफ जो हिस्ट्री की चीजें हैं या कोरोना वायरस में असल में क्या मसला है, कोरोना वायरस का फैलाव कैसे है, आपकी बॉडी में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग की कुछ बातें वो आप यहाँ से सीख सकते हो. इसी तरह से एक और चैनल है बॉक्स के नाम से, इनकी खबरें भी जो है वो मैं बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि वो भी एक बड़ी मुस्तदका इनकी रिपोर्टिंग होती है. और स्कूल ऑफ लाइफ एक चैनल है, वो भी आपको इसी तरह से आप, और ये मैं तीन आपको मिसालें दी हैं सर, ऐसे बीसियों चैनल है. एक चैनल बड़ा मुझे जो और पसंद है उसका नाम है कोट्स किताब. इसकी स्पेलिंग में हमेशा गलत कर जाता हूँ, इसमें मेरे ख्याल से टी नहीं आता. ये कोर्स के जात नाम का एक चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. इसमें भी वो थोड़ी सी देर के अंदर, 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपको कोई मुश्किल सा टॉपिक समझा देता है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड चैनल. और फिर मेन स्ट्रीम चैनल तो है ही, बीबीसी हो गया, सीएनएन हो गया, पर इनमें ऐसा ना करें कि आप 10-15 को साइन इन कर दें, कि आप सीएनएन भी देख रहे हो तो बीबीसी भी देख रहे हो. एक वेस्टर्न चैनल बीबीसी कर लो, एक ईस्टर्न चैनल अल जजीरा हो गया, और एक आपका रशिया टुडे आपने कर लिया रशिया के व्यू पॉइंट के लिए. ये तीन काफी है. वार्निंग मेरी ये है कि बिल्कुल भी आपके जो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स हैं डॉन के अलावा, इनको सब्सक्राइब मत करें. ये सिर्फ संस्कृति हैं, ये सिर्फ गपशप लगाते हैं, इनमें बाद में आपके इंटरव्यू से पहले शायद इनको देख लो, पर अपने सीएसएस के मेन एग्जाम की तैयारी से पहले मेरा मशवरा ये होता है कि पाकिस्तानी जो आम मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं आपके, तो उनको सब्सक्राइब ना करें तो बेहतर है. डॉन वगैरह देख लो, जरार कोरू का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है वो देख लो. और आई थिंक दैट्स अबाउट इट. ऑनलाइन आप इतना भी अगर कर लो तो काफी है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनलाइन के लिए डू नॉट कीप मोर देन मे बी 40 मिनट्स और 1 आवर. अब एक घंटे में आप इसमें से जितना कर सकते हो वो कर लो, और फिर अगले दिन कोई और चीज देख लो ऑनलाइन, फिर उससे अगले दिन कोई और चीज देख लो, और अपना स्केड्यूल जो है उसको रैशनल आपने खुद बनाना है. थैंक यू सो मच सर.